वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल चेंज एंड इक्वेशंस, जिसके अंदर अपन ने क्या देख लिया था, व्हाट इज फिजिकल चेंज, व्हाट इज केमिकल चेंज, व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ द इक्वेशंस आर टू बी राइट, इक्वेशंस को कैसे लिखा जाएगा, और अपनी बात चल रही थी क्या टाइप ऑफ है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के टाइप, जिसके अंदर अपन ने पहला टाइप देख लिया था कौन सा, पहला टाइप अपन ने देख लिया था एडिशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है कंपोजिशन, या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके अंदर अपन देखा था कि कोई भी दो रिएक्टेंट होंगे, कोई भी क्या होंगे, दो रिएक्टेंट जो आपको एक सिंगल क्या बना के देंगे, प्रोडक्ट बना के देंगे, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब अपना अगला टाइप आता है इक्वेशंस का, केमिकल इक्वेशंस का कौन सा आता है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। अब देखो ये डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है, तो अगर मैं हिंदी वर्ड की बात करूं तो डिसोसिएशन का हिंदी वर्ड है विखंडन, विखंडन। अब विखंडन मतलब है टुकड़ों में टूटना, तो डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में कोई एक सिंगल रिएक्टेंट, कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट आपको दो प्रोडक्ट में मिलेगा, कोई भी एक सिंगल रिएक्टेंट आपको क्या बना के देगा, दो अलग अलग प्रोडक्ट बना के देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया अमोनियम, NH3 ले लिया, अब ये NH3 किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, N2+H2। अब ये दो प्रोडक्ट मिल रहे था क्या, एक सिंगल रिएक्टेंट, वो रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाता है वो आपकी कौन सी कहलाती है, डिसोसिएशन रिएक्शन कहलाती है। लेकिन देखो किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट है, कंपाउंड के अंदर आपके जो भी एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन है, आपस में जुड़े हुए, और उनको जोड़ने वाली चीज क्या कहलाती है, उसको आप बॉन्ड कहते हो, या फिर मान लो किसी फोर्स से वो जुड़े हुए, चाहे कोई भी फोर्स हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उस फोर्स से वो एलिमेंट के आपस में जुड़े हुए। अब आपको एलिमेंट को अलग अलग करना है तो आपको उस फोर्स को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। अब आप किस टाइप की एनर्जी देते हो उस हिसाब से आपके डिसोसिएशन को भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया। तो डिसोसिएशन का सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, या इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको हिंदी में आप क्या कहोगे, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं, जैसा इसका नाम इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अब डिसोसिएशन का टाइप है तो मतलब एक चीज क्लियर है क्या, इसमें एक आपका रिएक्टेंट आपको कितने प्रोडक्ट देगा, दो प्रोडक्ट डेफिनेटली देगा, दो क्या देगा आपको प्रोडक्ट देगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात आती है, इलेक्ट्रोलाइटिक की बात आती है, इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए आप क्या काम मिलोगे, इलेक्ट्रिसिटी काम मिलोगे, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत काम मिलोगे, बिजली काम मिलोगे, और जब आप इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, या उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर आपको जिस चीज का सॉल्यूशन ब्रेक डाउन करना था, जिस चीज को तोड़ना था, वो चीज इसके अंदर डाल दो, वो चीज जैसे मैंने इसके अंदर ये डाल, मेरे को ब्रेक डाउन करना था, जैसे मैंने ले लिया HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो अपना इसका मतलब मिलता है वो एसिड ले लिया। अब इसमें ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होगा, आपको दो मेटल रोड की जरूरत होगी, दो किसकी जरूरत पड़ेगी, मेटल रोड मतलब धातु की छड़, और मेटल रोड क्यों लेते हैं अपने, मेटल रोड इसलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो सके, कंडक्शन हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो सके, क्योंकि मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या हो सकती है, पास थ्रू हो सकती है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, गुड क्या होते हैं, कंडक्टर। तो आपको रोड उसी चीज की लेनी जो क्या हो, गुड कंडक्टर, कोई भी मेटल की आप ले सकते हो। अब देखो, अब आप इसको किसी बैटरी से कंबाउंड करोगे, ये मैंने एक साइन बना दिया किसका, बैटरी का, ये किसका बना दिया मैंने, एक बैटरी बना दी। अब इस बैटरी का जो टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, अब जो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोड भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, जो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको तो क्या कहोगे, कैथोड, और जो नेगेटिव है उसको क्या कहोगे, एनोड।
कैथोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल और एनोड यानी नेगेटिव टर्मिनल। अब इसके अंदर आपने क्या डाला था? HCl। अब आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू करते हो, ये HCl आपका दो चीजों में टूट जाएगा, इसमें H प्लस और Cl है माइनस, H प्लस और Cl है माइनस। अब बताओ H किसका है? प्लस का, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो अब देखो चार्ज में क्या होता है, चार्ज में एक सिंपल सा दो काम करता है, क्या? अपोजिट अट्रैक्ट, अपोजिट अट्रैक्ट, मतलब जो चीजें एक दूसरे के अपोजिट है वो एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। अब बताओ पॉजिटिव के अपोजिट कौन है? नेगेटिव। तो H किस पे चला जाएगा? एनोड पे चला जाएगा। और Cl के नेगेटिव कौन है? Cl नेगेटिव के अपोजिट कौन है? कैथोड। तो Cl कहां चला जाएगा? कैथोड पे। अब आपको एक इलेक्ट्रोड पे तो Cl मिल गया, एक पे क्या मिल गया? H मिल गया। तो यहां से इसको आप बाहर निकाल के, यहां से तो Cl2 निकाल सकते हो, यहां से क्या निकाल सकते हो? H2 निकाल सकते हो। आपका एक प्रोडक्ट था जिसको आपने दो अलग अलग प्रोडक्ट में तोड़ दिया, इस काम के लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी काम में ली, तो इस प्रोसीजर को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये हो गया आपका डिसोसिएशन रिएक्शन का फर्स्ट टाइप, उसका क्लासिफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मेट। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, अब आपने इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड को क्या कर दिया? ब्रेक डाउन कर दिया। अब इसका दूसरा टाइप है इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, इसका दूसरा टाइप आता है थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन। कौन सा आता है? थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन, थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन। अब देखो थर्मोलाइटिक में क्या होगा? थर्मो, थर्मो मतलब है थर्मल, और थर्मल मतलब सीधा सा मतलब क्या होगा? हीट। थर्मल मतलब है हीट। अब इस चीज से आप क्या समझे कि जब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस एक रिएक्टेंट को दो प्रोडक्ट में तोड़ने के लिए आप हीट, या सीधी भाषा में मैं कहूं आप क्या काम में ले रहे हो? टेम्परेचर काम में ले रहे हो। तो वो डिसोसिएशन कैसा कहलाएगा? थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं सिंपल सा, जैसे मैंने ले लिया HBr या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी ले लो। अब इसको आप जब हीट देते हो तो केमिस्ट्री के अंदर हीट को डिनोट करते हैं ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल का मतलब है उस चीज को आप हीटअप कर रहे हो, उसको आप गर्म कर रहे हो। HBr किस में टूट जाएगा? H2 प्लस है Br2 में। और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में टूट जाएगा? Mg2 प्लस O2 के अंदर। कहने का मतलब जब डिसोसिएशन के लिए आप टेम्परेचर काम में लेते हो, ऐसा डिसोसिएशन आपका क्या कहलाता है? थर्मोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाता है। उसके बाद आपका थर्ड टाइप डिसोसिएशन का, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मोलाइटिक, और तीसरा होता है फोटोलाइटिक। क्या होता है? फोटोलाइटिक जिसको बोलते हैं। अब देखो फोटो यानी इसका मतलब होता है फोटोन, फोटो वर्ड किससे लिया गया है? फोटोन। और फोटोन काम में लिया जाता है लाइट से, लाइट के लिए, इसके लिए लाइट, लाइट अपने वाली इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं, प्रकाश जिसको बोलते हैं उस लाइट के लिए काम में लिया जाता है। लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल किसको माना जाता है? फोटोन को माना जाता है। तो जब आप किसी चीज को डिसोसिएट करने के लिए लाइट काम में ले रहे हो, सनलाइट काम में ले रहे हो, लाइट का मतलब कौन सी होगी? सनलाइट, सनलाइट काम में ले रहे हो, तो ऐसा डिसोसिएशन आपका कौन सा कहलाएगा? फोटोलाइटिक डिसोसिएशन कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं HCl, ठीक है। अब HCl के अंदर क्या होगा कि आपने वहां पे HCl को रख दिया सनलाइट में, धूप में रख दिया, और सनलाइट नाम लिखो तो भी अच्छी बात है, बाकी सनलाइट के लिए एक सिंपल काम में लिया जाता है H mu। क्या काम में लिया जाता है? H mu। तो यहाँ पे आप H mu भी लिख सकते हो एरो के ऊपर। आपने इक्वेशन लिखने के स्टेप में पढ़ा था कि जो भी रीजन है, जो भी कोज है, जिस चीज की वजह से रिएक्शन हो रही है, वो मिस एरो के ऊपर लिखोगे, एरो के ऊपर मैंने लिख दिया H mu। तो HCl किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? H2 plus Cl2 में, H2 plus Cl2 में। ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट डिसोसिएशन का काम करती है वो फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो हमने आज क्या देखा? एडिशन रिएक्शन और डिसोसिएशन। अब देखो रिएक्शन का थर्ड टाइप, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलोगे? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन अभिक्रिया। अब डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक छोटी सी चीज काम आती है, क्या? एक्टिविटी सीरीज, या फिर जिसको सीधी भाषा में कहा जाता है रिएक्टिविटी, हिंदी में जिसको कहते हैं अभिक्रियाशीलता। अब देखो कोई भी एलिमेंट हो इस यूनिवर्स के अंदर,
उसकी किसी दूसरे के साथ कंबाइन होने की, दूसरे के साथ रिएक्ट करने की उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब वो कितना जल्दी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है या कितना स्लो करता है, वो उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कहलाती है। उस एलिमेंट की क्या कहलाती है? रिएक्टिविटी। और रिएक्टिविटी को ध्यान में रख के एक एक्टिविटी सीरीज बनाई गई है, जिसमें भी सबसे हाई रिएक्टिव किसको माना गया है? ए पोटेशियम को, सबसे लो एयू यानी गोल्ड को, ठीक है। और हाइड्रोजन उसका मिडिल पॉइंट है, हाइड्रोजन क्या है उसका मिडिल पॉइंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट में ये चीज कैसे काम आती है। मैंने जैसे एक सिंपल सी चीज लिखी, क्या CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, नीला कलर होता है इसका। अब इसमें मैं डाल दूं Fe, आयरन। अब आयरन जरूरी नहीं, आयरन ढूंढ के लाओ, लोहे की कील होती है घर पे, वो भी आप डाल सकते हो, क्योंकि वो भी आयरन की बनी हुई है। अब आयरन नील जैसे इसके अंदर डालोगे तो आपको कंपाउंड क्या मिलेंगे? एक तो मिलेगा FeSO4 और प्लस है Cu, मतलब ये FeCu को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और ये बन गया आयरन सल्फेट, या इसका कलर होता है क्या? रेडिश ब्राउन। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि ब्लू कलर के सॉल्यूशन में आपने आयरन डाला तो वो रेडिश ब्राउन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि आयरन आपके कॉपर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। उस रिएक्शन के अंदर आयरन आपके कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। अब क्यों कर देता है डिस्प्लेस? क्योंकि आपका कॉपर तो होता है लेस रिएक्टिव, कॉपर तो क्या होता है? लेस रिएक्टिव, और आयरन होता है हाईली रिएक्टिव। आयरन क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। तो जो चीज हाईली रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव है, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस आपके लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लो रिएक्टिव को क्या कर देगा? आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन ये याद रखना कि कभी भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को लो रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब आपको अगर ये पूछ ले, बोलिए आपके पास FeSO4 है प्लस Cu, बताओ क्या कंपाउंड बनेगा? अपन ने तो ये सीख लिया फटाफट इसको क्या कर दो? डिस्प्लेस। लेकिन उस चीज से पहले आपको ये जरूर देखना है कि जो कॉपर है, जो डिस्प्लेस करने वाला है आयरन को, क्या वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है? अगर वो उससे हाई रिएक्टिव है तभी वो उसको डिस्प्लेस करेगा, वरना ये रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, ये रिएक्शन है कभी नहीं होगी, नो रिएक्शन, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी क्या आपकी काम आती है। जो हाईली रिएक्टिव है वो तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो लेस रिएक्टिव है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ये था आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद में चौथा टाइप आता है, बिल्कुल ऐसा वैसा ही है, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभी की है। अब इसमें क्या होगा, आपके डिस्प्लेसमेंट में क्या था? एक कंपाउंड था, एक क्या था? एलिमेंट था। वो एलिमेंट उस कंपाउंड के अंदर से किसी दूसरे को क्या कर रहा था? डिस्प्लेस कर रहा था। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जो आपका एलिमेंट था उसकी जगह भी आपको क्या मिलेगा? कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे मान लो आपको मिल गया CuCl2, क्या मिल गया? CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड आपको मिल गया। अब देखो FeCl2 मिलो, FeCl2 आयरन क्लोराइड मिलो। अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस हिसाब से, FeSO4 CuCl3 यानी दोनों कंपाउंड के एलिमेंट एक दूसरे को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। लेकिन इसमें भी वही रिएक्टिविटी वाली बात काम में आती है कि जब आपको पूछे इसमें किसने किसको डिस्प्लेस किया है, तो हाई रिएक्टिव ने लो रिएक्टिव को, मतलब आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल दिया और अपना FeSO4 बना दिया। अब आयरन यहां से चला गया, यहां कौन फ्री बैठा था? Cl3, और यहां से इसको निकाल दिया, ये बेघर कौन हो गया? कॉपर। अब ये दोनों भी, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई और तो कोई चीज है नहीं कंबाइन होने के लिए, तो ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के अंदर से एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो कंपाउंड के अंदर जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, और आपको क्या बना के देगा? आपके प्रोडक्ट बना के देगा। तो ये थे अपने बेसिकली चार टाइप रिएक्शंस या इक्वेशंस के, कितने टाइप हो गए? चार टाइप हो गए, एडिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिसोसिएशन। मैंने लिए कितने टाइप हो गए? चार टाइप हो गए। उससे पहले अपन ने पढ़ा था रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब देखो फटाफट सारे टाइप देख लेते हैं। रिवर्सिबल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल मतलब जिसमें आपका रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में नहीं होगा। फिर एडिशन में कोई दो रिएक्टेंट मिलकर और एक कंपाउंड बनाएंगे। डिसोसिएशन में क्या होगा कि कोई एक रिएक्टेंट दो कंपाउंड में क्या हो जाएगा? ब्रेक थ्रू हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसी लो रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा।
डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि दोनों कंपाउंड होंगे जिनके अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्लेस लेगी। उसके बाद अपन ने पढ़ा था फास्ट एंड स्लो रिएक्शन। फास्ट मतलब जिसमें फटाफट रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। एग्जांपल कोई पूछ ले तो जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, साल्ट प्लस है वाटर, तो 8th क्लास में पढ़ के आए थे। अब ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि 10^-10 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो सेकंड का बहुत छोटा सा पार्ट काम में लेती है, ये फास्ट रिएक्शन। फिर एक होती है स्लो रिएक्शन, इसको होने में काफी टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है, जैसे रस्टिंग, जंग लगना, अब एक रात में तो जंग नहीं लगती, महीनों लग जाते हैं, ये काफी स्लो रिएक्शन होगी। तो ये जो दो टाइप का रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ये है रिएक्शन के टाइप है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, ये चारों है अकॉर्डिंग टू मेथड या अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से। ये दोनों है किसके हिसाब से, रिएक्शन के टाइप है स्पीड के हिसाब से, कि रिएक्शन की स्पीड के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करो। फिर एक आता है आपका लास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन के अंदर क्या होगा, आपका एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे और आपको क्या बना के देंगे, साल्ट प्लस वाटर। बेसिक सी चीज थी, साल्ट प्लस क्या बना के देंगे आपको, वाटर बना के देंगे, ठीक है। और ये साल्ट होता है न्यूट्रल, मतलब इसमें ना तो एसिडिक नेचर होता है ना क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। ये थी बेसिक सी आपकी टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। उससे पहले हमने इक्वेशन लिखना पढ़ना, कैसे उसको लिखते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो सारी चीजें देखी, तो आपको इतनी रिएक्शन के बारे में ब्रीफली पता होना चाहिए, ठीक है। अब दो टाइप रह गए आपके, कौन से, एक तो होता है ऑक्सीडेशन और एक क्या होता है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये दो लास्ट रिएक्शन है जो इस चैप्टर में आपके आएंगे। अब इन दोनों के ऊपर थोड़ी सी नजर दौड़ा लेते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। तो देखो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको हिंदी में कहोगे क्या, ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन को क्या कहोगे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन या फिर उसको मैं क्या कहूँ, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी। बहुत आसान से सीधे सी प्लस और क्या बन गया, CO2। अब बताओ ऑक्सीजन जुड़ रही है ना इसके साथ, तो मतलब ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो रिडक्शन का सीधा सा मतलब है क्या, अपचयन, हिंदी में इसको अपचयन कहोगे। अब जिसके अंदर ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ये बन गया Mg+O, यानी आपका ऑक्सीजन और मैग्नीशियम अलग अलग हो गए ना, तो मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और जिसके अंदर ये दोनों एक साथ होती है, जिसके अंदर ये क्या होती है, दोनों एक साथ होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अब रेडॉक्स का अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था, याद हो तो CuSO4+Fe, तो क्या बन गया FeSO4+Cu। अब ध्यान से देखो, इसके पास ऑक्सीजन था कि नहीं था, और आगे जाकर इसका ऑक्सीजन घट गया कि घट गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था लेकिन आगे जाके जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, रेडॉक्स, वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स कहलाएगी। अब एक चीज और देखो, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट कहा जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि जब तक इसका रिडक्शन नहीं होगा सामने वाले का क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता ना, तो इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसको क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको क्या कहोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आपके रिएक्शंस के टाइप क्या हो गए, इनको ब्रीफली आपको स्टडी करना है और लर्न करना है, हर एक रिएक्शन के कम से कम दो दो एग्जांपल तो आपको लर्न करने। थैंक यू।